अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्रेसर की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से मेजर फॉल्ट्स आते हैं और इसकी जो सी प्राइस है वो मार्केट में अराउंड अबाउट 1500 to 2500 तक है। बेसिकली लेटेस्ट प्राइस का आइडिया नहीं है, लेकिन इतने में इजीली मिल जाता है, शायद इससे काम में भी मिल जाता हो। तो ये कंप्रेसर है, बेसिकली बहुत कंपनीज़ के आते हैं। मेरे पास जौन सा है ये वर्नल वालों का आया इंस्ट्रूमेंट, इसमें कार्डा का भी आता है और डिफरेंट। इसका ये जौन सा है डायल, इसके ज़रिए आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं जी। इसी तरह जिस तरह आपका फ़ैन होता है उसके साथ आपने डिमर कनेक्ट किया होता है, जिस तरह आप उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती है, जिस तरह उसको डिक्रीज़ करेंगे तो फ़ैन की स्पीड कम होती है और एक एंड पॉइंट पर आकर ये बंद हो जाता है। इसका मेजर फॉल्ट ये था कि ऑन ही नहीं होता था। मैंने इस पर ट्राइज मारी हैं लेकिन मैंने इसको ठीक कर दिया। तो वीडियो का जो बेसिकली हम बनाते हैं तो हम पहले उसको कम्प्लीटली टेस्ट करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ इशू है, फिर उसके बाद 3-4 बार फिर बंद करके फिर नेक्स्ट वीडियो शूट होती है। तो काइंडली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो का लिंक भी शेयर किया करें। ये इसकी इंडिकेशन लाइट है, ये इसका जौन सा है कंट्रोलर है। यहाँ पर आप बेसिकली जौन सी है वो इनपुट देते हैं, इन पाइप को लगाते हैं, यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है और इस वेरिएबल के थ्रू आप अपनी जौन सी स्पीड है गैस की वो कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से हम इसके स्क्रूज़ को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो इसके सारे के सारे स्क्रूज़ को ओपन कर लिया है, अब हम इसका ऊपर वाला जो उनका कैप है वो रिमूव करके आपको इसका इंटरनल सर्किट दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका कैप रिमूव कर दिया है और इसमें आपको जो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो मोटर है जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ था तो फिर मैंने इसको कम्प्लीटली बंद नहीं किया। यहाँ पर आप इनपुट सेक्शन है, ये इसका हमारा आउटपुट सेक्शन है, ये हमारी जौन सी मोटर है वो आगे बाहर, ये जौन सा है वेरिएबल है। अगर मैं आपको ये सर्किट दिखा सकूं तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा AC220, जहाँ पर AC220 लिखा हुआ है वहाँ पर आपने रेड वायर लगानी है। तो ये कंट्रोल होकर रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पर आउटपुट आती है, वो आपने मोटर की, ये बेसिकली इसको मोटर भी कह सकते हैं और कंप्रेसर भी, तो आपने यहाँ पर लगानी है। इसमें आपको एक डिमर देखने को मिलता है और ये इंडिकेशन एलईडी लाइट है। रजिस्टर वगैरह कौन सा है वो बेसिकली इसके साथ है। सर्किट कंप्लीट किया गया, मैं बेसिकली इसको पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ। जो ज़्यादातर इशू आता है जब आपका कंप्रेसर बिल्कुल भी काम नहीं करता, मतलब कि वो ऑन होता है, इंडिकेशन लाइट ऑन होती है लेकिन वो चलता नहीं है, आपको पंप की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तब आपका ये ख़राब होता है। ये बेसिकली मार्केट से ईज़िली मिल जाता है अराउंड अबाउट 150 से 180 तक। और अगर आपको सर्किट नहीं मिल रहा तो आपको एक ईज़िली ट्रिक बताता हूँ, आप फ़ैन का डिमर लें पार्क फ़ैन वालों का, उसको कंप्लीट ओपन करेंगे आपको उसमें से ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने भी यही काम किया था, मुझे सर्किट बोर्ड नहीं मिल रहा था, वो कह रहा था कि आप हाल रोड जाएं, इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ से फ़ैन का डिमर परचेज़ करके तो इसको कम्प्लीटली ओपन कर दिया, मुझे ये मिल गया। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको जो उनसा है ना वो मैचिंग की फ़िटिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स थे, वो देखें आप इतने थे, तो मैंने वायर्स को सॉल्ट कर दिया, ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। जो ऑन ऑफ का सिस्टम होता है वो सर्किट बेसिक फ़ैन का यहाँ पर एक होती है और एक वहाँ पे वायर, जो वायर नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की, जो ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है वो बेसिक मैंने यहाँ कनेक्ट की हुई है इस पॉइंट पे, और जो येलो वायर है वो मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट की है। यहाँ पर आप बेसिक इनपुट देते हैं 120 की, यहाँ से कंट्रोल होकर यहाँ आती है, फिर यहाँ से डिमर ऑफ होगा जैसे आप उसको ऑन करें, अभी ऑफ का स्टेट में चला गया, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो जो ग्रीन वायर नज़र आ रही है नीचे वो यहाँ आती है, फिर अगेन जो सर्किट है
यहाँ से रजिस्टर यहाँ पर आती है पावर, फिर ये पूरे रेगुलेटर में कंट्रोल होकर तो फिर आगे जाती है। अब बात कर लेते हैं पंप की। ज़्यादातर इशू इसी में आता है, अगर आपका पंप बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा तो आपने इसको ट्राई करना है। इसके साथ आपको एक और बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको डाउट है कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या फिर आपका ये ख़राब है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पंप पकड़ना है अपना, निकालने की ज़रूरत ही, मैंने तो वैसे पहले का निकाला हुआ है, और ये आपकी जो AC220 है इसके अंदर आपने इतने साइज़ की वायर कट करनी है, यहाँ पर लगानी है एक, और दूसरी वायर आपने यहाँ पर लगानी है। ये बेसिकली 7/29 की वायर है, एक एक काटी है मैंने, फिर आपने वो यहाँ अंदर डाल देनी है इसके अंदर। अब ये हमारा डायरेक्ट हो गया, जैसे ही आप पावर देंगे तो ये अपनी फुल स्पीड में चलेगा। अगर आपका पंप चल रहा है इसका मतलब है आपका पंप ठीक है, अगर आपका पंप अभी भी नहीं चल रहा है इसका मतलब आपका जो सा पंप है या कंप्रेसर है वो ख़राब है। अब देखिए मैं इसको पावर देता हूँ तो आपको आवाज़ आएगी। ये हमारी सॉकेट है और मैं इसको 220 देने लगा हूँ। फ्रेंड्स आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारा जो सा पंप है वो चल रहा है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आपको जो सा पंप है उसका इंटरनल सर्किट दिखाता हूँ, बेसिकली पंप के अंदर होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं। सबसे पहले हम इसके स्क्रूज को रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने दोनों तार दिए हैं। पहले तो आपने, अगर आपकी गैस लीक हो रही है पंप के अंदर से, तो आपने इसके स्क्रूज को अच्छी तरह टाइट कर देना, ठीक हो गया। अगर आपका ये उतर गया तो फिर आपका जो ऊंचा है खड़खड़ करेगा, तो आपने बेसिक इसको प्लेट के ऊपर रखकर, ये प्लेट उतर जाती है, स्क्रू नट भी खुल जाता है वाइब्रेशन की वजह से, तो आपने इस प्लेट को रखकर तो स्क्रू टाइट कर देना, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बेसिक पूरा पंप खोल लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मैंने अपना जो सा पंप है वो कम्प्लीटली खोल लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये बेसिक जो सा है, ये चार्जर सिस्टम एक किस्म का दिया हुआ है, यहाँ पर एक कॉइल है, सेकंड कॉइल यहाँ पर है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो सी है वो क्रिएट होती है, तो इसके दरमियान में ये ब्रैथिंग दिया हुआ है। ब्रैथिंग इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिस तरह सांस खींचते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, जिसके ज़रिए प्रेशर क्रिएट होता है और जो सा गैस का प्रेशर है वो जो सा है जल्दी जल्दी से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जितनी स्पीड से ये वाइब्रेट करेगा उतनी ज़्यादा गैस क्रिएट होती है, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, गैस उतनी ज़्यादा आएगी। जितना स्लो आप चलाएंगे इस तरह स्लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो स्लो जो सी है वो हमारी गैस जो सी है वो चलेगी। अब मैं इसको ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह स्पीड में ये चल रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसको चलाया था। अगर आप बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये पंप ही नहीं चल रहा, आपने डायरेक्ट चलाया फिर भी नहीं चल रहा, तो आप देख सकते हैं चार वायर्स आती हैं, सो ये जो उनसे हैं और टर्न्स जो उनसे हैं कम्प्लीटली राउंड होकर, तो फिर चार पॉइंट पर आए हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट उसे पीछे है। अगर मेरा कैमरा आपको कैप्चर करके दिखा रहा हो जहाँ सोल्डिंग हुई है, एक पॉइंट ये, एक उससे पीछे ऊपर भी हमने इनपुट दी हुई है, ये आप देख सकते हैं वायर्स कनेक्टेड है।
तो यहाँ पर टोटल ये वायर्स होती हैं, ये पाम जोन से इजीली रिपेयरेबल है, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसके अंदर बेसिक मैग्नेट्स दिए होते हैं, अगर आपका ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहा तो आपका मैग्नेट जोन से उसको आपको बाहर निकाल कर तो उसका मैग्नेट करना पड़ेगा, मैं ये कर चुका हूँ। तो आपने देखा किस तरह प्रेशर क्रिएट होता है, अब हम जल्दी से इसको बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स बंद करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो मेरे माइंड से निकल गया था। बेसिक आप देख सकते हैं, हम यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, तो इसके अंदर एक ही पाइपलाइन दी हुई है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पाइप आ रहा है, यहाँ से आता है प्रेशर तेज़, यहाँ ब्लॉक होता है प्रेशर, यहाँ इस पूरे में प्रेशर होता है, फिर यहाँ से आउट हो जाता है। इनपुट सेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर आते जब प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर यहाँ से आगे को पास कर देते हैं इस होल के थ्रू प्रेशर। अब हम इसको बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने इसके जो उनसे हैं पंप के सारे जो उनसे स्क्रूज अच्छी तरह टाइट कर दिए ताकि गैस की लीकेज ना हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पे गैस की लीकेज आ रही है या वैसे ही आपका पंप ख़राब नहीं है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है लेकिन लीकेज आ रही है, तो आपने जो उनसे स्क्रूज़ हैं 1, 2, 3, 4 ये वाले, इस लेफ्ट साइड के भी 4 और नीचे वाले जो उनसे 6 हैं, आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है, फिर आपकी गैस की लीकेज नहीं होगी। अब हम इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया, ये बेसिकली टूट गया था, रबर बहुत नाजुक होता है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने टाइट कर दिए हैं। अब बात है वेरिएबल लगाने की, 220 को देकर आपने लगाना है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका दोनों सा वेरिएबल है वो डैमेज हो जाएगा। अब हम पंप की सप्लाई लगाएंगे, ये हमारी वायर्स आ गई। अब हम इसको यहां पर टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स हमने इसको टाइट भी कर दिया है, साथ साथ कौन सा प्लास्टिक की बॉडी फिटिंग थी वो भी लगा दी है। इसको बेसिकली मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको एक मोटर चाहिए, एक केसिंग चाहिए, ये फिटिंग्स चाहिए, वायर चाहिए और ये दोनों सा है मॉड्यूल, कंट्रोलर मॉड्यूल वो चाहिए। ये आपने वायर इनपुट सेक्शन पर देनी है, यहाँ से आपने गैस अप्लाई करनी है और यहाँ से आपने गैस को आगे डिलीवर करवाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इनपुट और आउटपुट साइड को अच्छी तरह कनेक्ट कर दी है। अब हम इसको अगेन लगा के चेक कर लेते हैं ताकि कि हमारा कंप्रेसर जो है उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट है या नहीं और प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। इंडिकेशन लाइट फ्रेंड्स ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपका आवाज़ से आइडिया हो गया होगा कि इसकी स्पीड कम करने से आवाज़ कम हो रही है पंप की और ज़्यादा करने से ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप लाजमी करें, वीडियो का लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें।